हे, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर वीडियो। हमने अपने लास्ट वीडियो में जीके में चैप्टर क्लास 5 का चैप्टर 2 पढ़ा था, ठीक है, जिसमें हमने आधा पार्ट पढ़ा था और आधा बाकी था। तो अभी हम उसे फिनिश करेंगे इस वीडियो में। तो देख रहे हो, ये जीके का बुक है हमारे सामने। तो कंटेंट्स क्या था हमारा? फर्स्ट इंडियन वुमेन 2। चैप्टर सेकेंड में क्या पढ़ना था हमें? फर्स्ट इंडियन वुमेन 2। तो इसमें हमने थर्ड पॉइंट तक पढ़ा था कि फर्स्ट एंड ओनली वुमेन ऑफिसर इन द इंडियन आर्मीज मोटरसाइकिल डेटेबल स्क्वाड एट द रिपब्लिक डे परेड। यहाँ तक हमने देखा था कैप्टन शिखा सुरभि। तो अभी हमें फोर्थ नंबर से देखना है। तो फोर्थ क्या है? फर्स्ट वुमेन टू हेड द एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। वो पहली वुमेन जिसने एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी को हेड किया था। एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी क्या होता है? जहाँ पे एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड जो होता है, एस्ट्रोनॉट वगैरह होते, स्पेस से रिलेटेड जो होता, तो उससे पहली वुमेन जो जिसने हेड किया था, मतलब जिसने लीड किया था, द प्राइम एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स इन द कंट्री। तो कौन थी ये? डॉक्टर जीसी अनुपमा, डॉक्टर जीसी अनुपमा। फिफ्थ हमारा, फर्स्ट वुमेन एम्प्यूटी इन द वर्ल्ड टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट इन 2013 एंड अंटार्कटिकाज हाइएस्ट पीक माउंट विंसन। पहली वुमेन जिसने ये माउंट एवरेस्ट 2013 में क्लाइंब किया और अंटार्कटिकाज हाइएस्ट पीक, मतलब अंटार्कटिका एक कॉन्टिनेंट है ना, उसके हाइएस्ट पीक को भी इसने क्लाइंब किया था, माउंट विंसन जिसका नाम है। तो वो कौन थी? अरुणिमा सिन्हा। हुई शी अरुणिमा सिन्हा। और सिक्स्थ नंबर है हमारा, फर्स्ट इंडियन एवर टू विन अ गोल्ड मेडल इन अ ट्रैक इवेंट एट द वर्ल्ड U20 चैम्पियनशिप्स 2018। पहली महिला, मतलब पहली इंडियन, इसमें हमें वुमेन के बारे में पढ़ना है ना, तो फर्स्ट वुमेन टू बीन अ गोल्ड मेडल इन अ ट्रैक इवेंट, जिसने ट्रैक इवेंट में, आप उसके बगल में देख सकते हो इनका फोटो भी दिया है, हीमा दास, जो ट्रैक इवेंट इस वर्ल्ड U20 चैम्पियनशिप में इन्होंने पार्टिसिपेट किया और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। तो ये कौन थी? हीमा दास। तो ये सारा आई होप आप लोगों ने लास्ट इसे पढ़ भी लिया होगा, याद भी करके रखा होगा, क्योंकि अभी आपको बस रिवीजन ही करना है, घर पे पढ़ाई ही करनी है, ठीक है। तो जितना से ज़्यादा हो सके आप सेल्फ स्टडी करो, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम को यूटिलाइज करो, ठीक है। थैंक यू।